भारत जोड़ो यात्रा पर निकले राहुल गांधी, लेकिन सचिन पायलट का दिल 36 टुकड़ों में किसने किया? सचिन पायलट को गहलोत नहीं बनने देंगे सीएम, इसलिए शाह ने सिंधिया को काम पर लगाया। राजस्थान कांग्रेस में महाभारत में शकुनी कौन? सचिन के साथ कब तक होता रहेगा अन्याय? सवाल ये उठता है कि गहलोत अपनी ही सरकार को क्यों गिराना चाहते हैं? इसे समझने के लिए आपको 2 साल पहले की कहानी को समझना होगा। दरअसल साल 2020 में सचिन पायलट ने महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे की तरह बगावत कर दी थी। तब सचिन पायलट के पास सिर्फ और सिर्फ 25 विधायक थे। कहा यह भी गया कि पायलट सीधे तौर पर बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ संपर्क में थे। पायलट की सिंधिया से अच्छी बनती है। सिंधिया कुछ साल पहले बीजेपी में आए, इसलिए राजस्थान में अभी जो भी कुछ हो रहा है उस पर सिंधिया की नजर है। उस वक्त भी सिंधिया के सहारे गहलोत की सत्ता पलटने की तैयारी थी, लेकिन गहलोत ने नीतीश की तरह समय रहते सब कुछ भांप लिया था। अब क्योंकि गहलोत कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले हैं, इसलिए पायलट की सीएम बनने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। लेकिन गहलोत ने सभी विधायकों से इस्तीफा दिलवाकर आला कमान को ये दिखाने की कोशिश की है, अगर मेरी पसंद के विधायक को सीएम नहीं बनाया गया तो सरकार नहीं चल पाएगी। लेकिन गहलोत शायद ये भूल गए कि 200 विधानसभा सीटों वाले राजस्थान में कांग्रेस के पास 108 विधायक हैं। अगर पायलट ने बगावत कर दी तो सरकार गिर सकती है, इसलिए सचिन पायलट को मनाना कांग्रेस की भी मजबूरी है। दरअसल सोनिया, राहुल, प्रियंका सब चाहते हैं पायलट सीएम बने, लेकिन अशोक गहलोत ये नहीं चाहते। गहलोत चाहते हैं सीपी जोशी, रघु शर्मा, बीडी कल्ला या शांतिलाल घारीवाल को सीएम बनाया जाए। अगर गहलोत ने इस बार पायलट को सीएम नहीं बनने दिया तो उनकी सरकार गिर सकती है। बीजेपी के पास 71 विधायक है, अगर 30 विधायक भी पायलट ले गए तो सीएम बन सकते हैं। ऐसे में गहलोत को अध्यक्ष का लालच छोड़ सीएम बने रहना चाहिए या इस्तीफा दे देना चाहिए, जबकि पायलट को सोनिया, राहुल से बात करनी चाहिए, वरना बीजेपी के दरवाजे उनके लिए खुले हैं। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सचिन पुनिया ने इस बात के संकेत भी दे दिए हैं कि पायलट के लिए बीजेपी के दरवाजे बंद नहीं हैं। इस बार अगर पायलट ने बगावत कर दी तो गहलोत का गेम धरा का धरा रह जाएगा। गहलोत खुद को जादूगर समझते हैं, लेकिन बीजेपी के चाणक्य अमित शाह के सामने गहलोत का कोई जादू काम करेगा ऐसा फिलहाल दिखता कम है। बिगड़ते हालात को देखकर ये तो मुश्किल लगता है कि गहलोत खुद की सरकार को बचा पाए। राहुल गांधी भी ये बात जानते हैं कि सचिन पायलट के साथ शुरू से ही अब तक कितना अन्याय हुआ, इसका जिक्र वो खुद भी कर चुके हैं। खैर, अभी भी गेम को नहीं समझे तो हम आपको समझाते हैं। बरगद का पेड़ ज्यादा पुराना हो जाए तो वो किसी और को बड़ा नहीं होने देता। याद कीजिए, कांग्रेस ने सिंधिया को कभी मौका नहीं मिला तो बीजेपी के स्टार मंत्री बन गए। कांग्रेस ने हेमंत बिस्वा शर्मा को जब नजरअंदाज किया तो वो अब बीजेपी के फायर ब्रांड नेता बन गए। जितिन प्रसाद को सम्मान नहीं दिया तो शाह ने योगी सरकार में ताकतवर मंत्री बन गए। तो क्या अब सचिन पायलट के लिए बीजेपी में मंच तैयार है? क्योंकि अशोक गहलोत के चलते राजस्थान में सचिन पायलट कभी भी सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठ सकते। राजस्थान कांग्रेस में महासंग्राम छिड़ा है। अशोक गहलोत दिल्ली से लेकर राजस्थान के सियासत में बने रहना चाहते हैं। सोनिया गांधी उन्हें दिल्ली बुलाकर अध्यक्ष बनाना चाहती है। तो गहलोत सचिन को किसी कीमत पर राजस्थान नहीं सौंपना चाहते, इसलिए अपने गुट के विधायकों को साफ कह दिया कि अध्यक्ष मैं बना तो टिकट भी मैं ही दूंगा, फिर देख लेना सचिन किस किस को टिकट दिलवाएगा। यानी राजस्थान में डर की सियासत चल रही है। ऐसी स्थिति में गहलोत और पायलट के पास सिर्फ 5 विकल्प बचते हैं। उनमें से 3 गहलोत के पक्ष में हैं और 2 पायलट के पक्ष में। हम वो विकल्प बताएं, उससे पहले गहलोत का गेम प्लान भी समझ लीजिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अशोक गहलोत के गुट के 92 विधायकों ने रातों रात स्पीकर सीपी जोशी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इस्तीफे के बाद जब सोनिया गांधी ने अजय माखन और मल्लिका अर्जुन खड़गे को विधायकों से मिलने भेजा तो कोई मिलने को तैयार नहीं हुआ। आखिर में ये पर्यवेक्षक गहलोत से मिलकर दिल्ली लौट गए और गहलोत ने तो ये तक कह दिया कि अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं,
पानी सिर से ऊपर जा चुका है। फिलहाल राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर पूरे देश में घूम रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि उनकी यात्रा के बीच ही राजस्थान कांग्रेस में टूट हो जाए और सिंधिया की तरह ही उनके दोस्त सचिन पायलट भी उनसे दूर चले जाएं। लेकिन इस बार अपने दूसरे दोस्तों को राहुल गांधी नहीं जाने देंगे। कोशिश तो यही है, लेकिन होगा वही जो बीजेपी के चाणक्य चाहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।